झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तक स्पर्श से बिहारी कवि के दोहों को हम भावार्थ के लिए ले रहे हैं। भावार्थ में हम कठिन शब्दों के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य सहित सभी अंगों को यहाँ पर विश्लेषित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहारी का पहला दोहा। उनका पहला दोहा इस तरह है, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मनि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ इस प्रकार हैं, सोहत यानी शोभा देना, अच्छा लगना, पीतु का तात्पर्य है पीला, पट अर्थात वस्त्र, नीलमणि शैल यानी नीलमणि का पहाड़, और आतप यानी सूर्य। और संदर्भ है कि यह दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक स्पर्श से लिया गया है। बिहारी के दोहों को हम इसके अंतर्गत ले रहे हैं। प्रसंग है कि इस दोहे में बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण किया है। वे कहते हैं कि कृष्ण का जो शरीर है उसका रंग सांवला है और वे पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, इसलिए उनकी छवि ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि नीलमणि के पहाड़ पर नीले रंग की मणियों का एक विशाल पर्वत हो और उस पर प्रातःकाल का सूर्य अपनी सुनहरी किरणों की बरसात कर रहा हो। तो जो दृश्य उत्पन्न होगा वही कृष्ण का स्वरूप दिख रहा है। अब हम आते हैं काव्य सौंदर्य पर, और इसमें जो पीत पट श्याम सलोने तथा पर्यो प्रभात पंक्तियां आई हैं वहां अनुप्रास अलंकार है। जहां कहा गया है मनो नील मनि शैल पर, तो मानो शब्द आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है और ब्रज भाषा में इसे रचा गया है। भाव सौंदर्य है कि कृष्ण के सुंदरता का यहां चित्रण किया गया है। और अब दूसरा दोहा, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगत तपोवन सोक्यो दीर्घ दाघ निदाघ। यहां कठिन शब्दों के हम अर्थ देखते हैं। अहि कहते हैं सांप को, तपोवन यानी वह वन जहां पर तपस्वी रहते हो, ऋषि मुनि तपस्या करते हो, दीर्घ दाघ यानी प्रचंड ताप गर्मी, निदाघ अर्थात ग्रीष्म ऋतु। संदर्भ वो प्रसंग पहले की तरह रहेंगे इसलिए उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हम भावार्थ करते हैं। बिहारी कवि यहां पर कह रहे हैं कि इतनी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि हम जंगल में सांप और मृग मयूर को, मोर पक्षी को, तथा मृग और बाघ को जो एक दूसरे के भक्ष हैं उन्हें साथ साथ बैठा हुआ देखते हैं, क्योंकि वे गर्मी के कारण इतने शिथिल हो गए हैं कि उनके शरीर में कोई और हरकत अब नजर नहीं आ रही है। तो सांप और मोर एक साथ बैठे हैं, बाघ और हिरण भी एक साथ बैठे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे यह जंगल जंगल नहीं है बल्कि तपस्वियों की तपस्या स्थली है, जहां पर उनके संतों के प्रभाव से कोई हिंसा कर्म नहीं होता। अब आते हैं काव्य सौंदर्य पर, तो इसकी दूसरी पंक्ति में उपमा अलंकार है और भाव सौंदर्य है कि यहां ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन किया गया है। अब लेते हैं तीसरा दोहा, सॉरी, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौहु करे भौहन हसे दैन कहे नटी जाए।
इसमें जो कठिन शब्द आए हैं उनको देख लेते हैं। बतरस यानी बातें करने का आनंद, लुकाई यानी छुपा देना, सोह यानी कसम खाना, भौहन यानी भौहों ही भौहों में, नट यानी मना कर देना, मुकर जाना। प्रसंग ये है कि गोपियों ने देखा कि कृष्ण मुरली बजाने में जब तल्लीन हो जाते हैं तो फिर उन्हें कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, औरों का कोई ख्याल नहीं रहता और वे किसी से बातचीत नहीं करते, और वे चाहती हैं कि कृष्ण से बातचीत करें, उसका आनंद उठाएं। तो गोपियों ने उनकी मुरली को कहीं पर छिपा दिया। अब कृष्ण उनसे पूछ रहे हैं कि भाई हमारी मुरली कहाँ है, तो वे कसम खाकर कहती हैं कि हमें आपकी मुरली के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर जब कृष्ण इस बात पर विश्वास कर लेते हैं तो वे भौहों ही भौहों में हंसती हैं कि हमने कृष्ण को बेवकूफ बना दिया। और कृष्ण जब उन्हें हंसता हुआ पाते हैं तो पूछते हैं कि नहीं नहीं इसकी जानकारी तो तुम्हें है, बताओ मुरली कहाँ है। तब वे कहती हैं अच्छा ठीक है, हम आपकी मुरली आपको देने को तैयार हैं। पर फिर तुरंत ही इनकार करके कि हम आपकी मुरली नहीं देंगे, वे भाग जाती हैं। इस तरह इस दोहे की जो व्याख्या है उसमें कृष्ण के साथ बातों का आनंद प्राप्त करने की भावना को व्यक्त किया गया है। काव्य सौंदर्य है कि इसमें श्रृंगार रस का संयोग पक्ष सामने आया है, और भाव सौंदर्य है कि कवि ने प्रेम के मधुर पक्ष का चित्रण किया है। अब लेते हैं चौथा दोहा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन ही सो बात। रीझत का तात्पर्य है मोहित होना, खिजत यानि खींचना, मिलत यानि मिलना, और भौन यानि भवन। प्रसंग ये है कि यहां पर कवि ने नायिका के द्वारा आंखों के माध्यम से ही अपने समस्त भावों को व्यक्त करने का चित्रण किया है। भावार्थ यह है कि नायिका घर में भीड़ भाड़ होने के कारण नायक से बातें नहीं कर पा रही है, ऐसे में वह अपने हृदय के विभिन्न भावों को जैसे कि कहना, मुकर जाना, मोहित होना, खींचना, मिलना, प्रसन्न होना और लज्जित होना आदि, इन सब को वह अपनी आंखों के माध्यम से ही अभिव्यक्त कर रही है। इसमें काव्य सौंदर्य है कि श्रृंगार रस का संयोग पक्ष उभर कर सामने आया है, और भाव सौंदर्य यह है कि नायिका की प्रेम भावनाओं को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पांचवा दोहा है, बैठ रही अति सघन वन पैठ सदन तन माह, देख दोपहरी जेठ की छाहो चाहत छा। इसके कठिन शब्दों को देख लें, सघन यानी घना, पैठ यानी घुसना, सदन तन यानी भवन में। प्रसंग है कि ग्रीष्मकाल का चित्रण किया गया है, और भावार्थ यह है कि ज्येष्ठ ऋतु की, ज्येष्ठ माह में ग्रीष्म ऋतु की प्रचंडता का वर्णन करते हुए बिहारी जी कहते हैं कि इस समय कहीं भी शीतलता और छाया नहीं दिखाई देती, क्योंकि ऐसा लगता है कि गर्मी के कारण स्वयं छाया भी कहीं और छाया पाने की दृष्टि से पलायन कर गई है, इसलिए कहीं छाया और शीतलता का अता पता नहीं है। काव्य सौंदर्य इसमें यह है, पैठ सदन तन माह में रूपक अलंकार है, और पूरा पद अतिशयोक्ति अलंकार से भरा हुआ है। भाव सौंदर्य है कि यहां पर कल्पना के माध्यम से एक बिंब की रचना हुई है। छठवां दोहा है, कागद पर लिखत न बनत कहत संदेश लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे हिय की बात। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हैं कागद यानी कागज, संदेश यानी संदेशा, हिय यानी हृदय। प्रसंग है कि नायिका की स्वाभाविक लज्जा का चित्रण किया गया है। भावार्थ देखिए, बिहारी कवि कहते हैं कि नायिका को नायक से अपने हृदय की बातें
कहने के लिए अगर वह लिखना चाहे कागज पर तो उसे लिखना नहीं आता, और कहने की बात जहां तक है तो उससे कहते इसलिए नहीं बनता क्योंकि उसमें उसे लज्जा आती है। इसलिए वह कहती है कि आपका हृदय ही मेरे हृदय की समस्त बातों को आपसे कह देगा, मुझे ना लिखने की जरूरत है और ना कहने की जरूरत है। काव्य सौंदर्य यहाँ पर कवि ने अपने भावों को सादेपन के साथ प्रस्तुत किया है, और भाव सौंदर्य के नायिका की स्वाभाविक लज्जा का चित्रण हुआ है। और अब हम अगले दोहे पर आते हैं, सातवां। प्रगट भये द्विजराज कुल सुबस बसे ब्रज आए, मेरे हरो कलेश सब केशव केशव राई। इसमें जो कठिन शब्द है उनको देखते हैं। द्विजराज से मतलब है ब्राह्मण कुल, सुबस यानी अपनी ही इच्छा से, केशव यानी श्री कृष्ण, और केशव राई बिहारी कवि के पिता का नाम था केशव राय। प्रसंग यह है कि बिहारी यहां इस दोहे में अपना परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारा जन्म जो है वो ब्राह्मण कुल में हुआ है, और हम अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के बस गए हैं। हे केशव, हे श्री कृष्ण, आप मेरे दुखों को दूर कीजिए। मैं श्री केशव राय नाम के कवि का पुत्र हूं। और अब हम देखते हैं काव्य सौंदर्य। इसमें केशव केशव राई जो शब्द आया है उसमें अनुप्रास अलंकार है, और भाव सौंदर्य है कि कवि ने अपना परिचय प्रस्तुत करने में एक सरल विधि खोजी है। और इसका जो आठवां और अंतिम दोहा है वो इस तरह है। जप माला छापे तिलक सरे न एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। शब्दार्थ है जप माला यानी जपने की माला, छापे यानी एक ऐसा वस्त्र जिस पर राम का नाम छपा हो, मन कांचे का मतलब है कच्चा मन, सांचे यानी सच्ची भक्ति करना। प्रसंग है कवि ने यहां भक्ति भाव संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया है, और भावार्थ यह है कि कवि कहते हैं कि भले ही हाथ में जपने की माला आप लिए हो, आपके शरीर पर राम नामी की छापी पड़ी हो, माथे पर तिलक लगा हो, लेकिन फिर भी आप सांसारिक कामों में लगातार जुटे हुए हों, उनमें ही घिरे हुए हों, उनमें ही आप अपने मोह और लोभ से पड़े हुए हों, तो ऐसे में आपकी भक्ति पूरी नहीं होगी। जो आपका अभी मन इसमें रमा नहीं है, कच्चा है, वह नाचता फिरता है। अगर सच्चा मन होगा, भक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ मन होगा, तभी आपको राम मिल सकते हैं। अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। इसमें शांत रस है, और भाव सौंदर्य यह है कि कवि ने सच्चे भक्त की पहचान यहां प्रकट की है। तो यह था बिहारी के दोहों के भावार्थ वाला हिस्सा। अगली बार हम बिहारी के दोहों के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई जिज्ञासा यदि आपके मन में उत्पन्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत बहुत खुशी होगी। आपका धन्यवाद।